नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल पुरवाल आया हूँ आप सब लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट सिचुएशन पे बात करने। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वक्त पूरा देश और पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी क्रिटिकल भीषण सिचुएशन का सामना कर रही है, कोरोना वायरस COVID-19। कोरोना वायरस जैसी भयानक महामारी चाइना के वुहान शहर से दिसंबर 2019 से शुरू हुई और आज पूरे विश्व भर में फैल चुका है। और मेडिकल हिस्ट्री का मानना है कि ऐसा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था, नहीं था कि मेडिकल साइंस ने आज से पहले किसी वायरस का सामना ना किया हो। आपको याद हो तो 1720 में आया एक वायरस प्लेग, 1898 में जब इंडिया में आया, और 1898 से लेकर 1918 तक इंडिया में करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। 1820 में आया एक खतरनाक वायरस कोलेरा, जिसको कि आप लोग हैजा के नाम से भी जानते हो। कोलेरा जब दुनिया में आया तो पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। उसके बाद 1920 में आया स्वाइन फ्लू जो 2009 में इंडिया में आया और लाखों लोगों की जाने ले चुका था। और अभी 2020 में आया कोरोना COVID-19। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में करीब करीब इस वायरस से 612 लोग अफेक्टेड हैं, जिसमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। और इंडिया के अंदर 12 राज्यों में लॉकडाउन कर दिया गया है कि लोग बाहर ना निकलें। के कहर की अगर अब तक की बात कर दी जाए तो पूरी दुनिया में 438,749 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 19,675 लोगों की मौत हो चुकी है। ये वो जंग नहीं जो मैदान में जाके जीती जाए, दोस्तों, ये जंग है अपने घर में रहिए, अपने फैमिली के साथ रहिए। आप समझ चुके होंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी गंभीर है और इस वक्त हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि वो इस महामारी से बचने के लिए अपने देश की मदद करे, अपने देश को सहयोग करे। और दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ घर से बाहर ना निकले। एक मूल मंत्र है इस बीमारी से छुटकारा पाने का, एक मूल मंत्र सिर्फ और सिर्फ घर से बाहर ना निकलें। प्लीज़, इस जंग में हमें बहादुर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये टाइम है बुजदिल बनने का। अगर हम बुजदिल बनेंगे और अपने घर में रहेंगे तो ये इतना बड़ा संकट जो भारत में और हमारे देश में जो आया है, पूरी दुनिया में जो आया है, अपना आप टल जाएगा। अगर आपको इस वक्त देशभक्ति दिखानी है, अगर सच में आप अपने देश से प्यार करते हो तो प्लीज़ घर में रहिए। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार घर में रहेंगे तो क्या करेंगे। एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूँगा दोस्तों, हम लोग जब अपनी जॉब में होते हैं या अपनी ट्रेडिशनल बिजनेस में होते हैं तो हम लोग एक ही चीज़ सोचते हैं, यार कुछ टाइम ऐसा मिले जो हम लोग ड्यूटी ना जाएं या अपने जॉब्स में ना जाएं या अपने बिजनेस में ना जा पाएं, अपने घर में रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें। तो आप उस टाइम पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ अपने आपके माइंड में ज़रूर आती होगी, तो वो आप कुछ टाइम अपने माइंड को पीछे ले जाइए, याद करिए कि आप क्या करना चाहते थे। वही एक्टिविटीज़ आप करिए, अपने घर में रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, अपने पेरेंट्स के साथ रहिए। और मेरा सजेशन ये रहेगा दोस्तों कि आप लोग प्लीज़, अगर घर पे हो तो जिस भी फील्ड में आप हो, चाहे तो आप बिज़नेस सेक्टर में हो या जॉब्स में हो, जिस भी फील्ड में आप हो, आप मास्टर बन सकते हो इन कुछ दिनों में। उस फील्ड के आप मास्टर बन सकते हो। आप लोग नोट्स बनाइए, अपने फील्ड के नोट्स बनाइए, जिस भी सेक्टर में आप काम करते हो उसके नोट्स बनाइए, नॉलेज गेन करिए उस फील्ड का, और अपने माइंड की मसल्स को बेटर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रीड अ मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल बुक्स। क्योंकि एक ऐसा मंत्र है दोस्तों कि जब भी आप और हम इस भयंकर महामारी से बाहर निकलेंगे तो हम अपने आप को कुछ अलग पाएंगे, अपने आप को कुछ अलग चेंज हमारे अंदर देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ आप ये हैबिट डेवलप करिए। और इसी के साथ थैंक यू, विश यू वेल्थ, स्वस्थ रहिए आप और हाथों को बार बार धोइए। थैंक यू, विश यू वेल्थ।